तो कंपैरिजन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट में, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो करंट कैसे चेंज होता है एलसीआर में? करंट मैक्स होता है कब? ऑन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किया हुआ है हमने। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू चलो रेजोनेंस है, तो एक्स एल किसके इक्वल है? एक्स सी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस है, लेस कम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस है तो एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्स सी क्या होता है? वन बाय सी ओमेगा, ओमेगा कम है तो एक्स सी ज़्यादा, और एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब एक्स सी बड़ा होगा, एक्स एल छोटा होगा। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ओमेगा बढ़ गया, तो एक्स एल बढ़ जाएगा, एक्स सी कम हो जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स सी बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्स एल बढ़ा है, और रेजोनेंस पे दोनों बराबर हैं। तो ये रूल मैंने बना दिया। तो अगर आपका किसी पोर्शन में एक्स सी बढ़ा है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, या ओवरऑल सर्किट की इम्पीडेंस क्या है? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव का मतलब कैपेसिटेंस का रोल ज़्यादा है। और अगर एक्स एल बढ़ा है, उसको सर्किट की इम्पीडेंस क्या मानी जाएगी? इंडक्टिव, इंडक्टेंस या इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट माना जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ हमने कर ली, जरूरत नहीं है। क्यू वैल्यू हमने कर लिया, जरूरत नहीं है।